नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं कुछ ऐसी वेब सीरीज लेके आया जो कि आपको क्राइम ड्रामा हॉरर टाइप की वेब सीरीज देखने को मिल जाती है। मतलब कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस देखने को मिलेगा और इतनी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ये सारी वेब सीरीज देखने को मिलेगी कि आपको फिर से मन करेगा ये सारी वेब सीरीज को एक बार फिर से देखने को, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी लाइन और इतनी अच्छी रेटिंग के साथ ये सारी वेब सीरीज आपको फ्री में देखने को मिल जाती है MX Play में, तो काफ़ी अच्छी बात है। भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि कौन सी वेब सीरीज आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। और ये भी साथ में बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को भी बोलना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और विस्फोट हुआ पूर्वांचल, विजयवाक आदमी कोला मंडी में कब्जा जमाने पहुंच गया है। मादर चोद, इसका जनाजा निकालूंगा आज मैं। इस युद्ध में नंबर 5 पे जो मैंने वेब सीरीज को रखा है उसका नाम है धनबाद ब्लूज। और ये काफ़ी अच्छे स्टोरी लाइन के साथ और काफ़ी अच्छे क्राइम ड्रामा फिल्म देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके रेटिंग की तो IMDB पे जो उसकी रेटिंग दी गई है वो लगभग 5.2 आउट ऑफ 10 है। तो रेटिंग वाइज ये काफ़ी अच्छी आपको वेब सीरीज देखने को मिल जाती है और इसकी सारी स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी कमाल की लगने वाली है, क्योंकि बेसिकली एक आदमी को भी पूरी स्टोरी लाइन बेस होने वाली जो कि एक डायरेक्टर होता है, लेकिन इसने जितनी भी फिल्में बनाई होती है वो सारी ज़्यादा फिल्में फ्लॉप जाती है, जिसके बाद लोग इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के कुछ और काम पकड़ लो। लेकिन बाद में इसको एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है और एक बड़ी फिल्म को ही साइन करते हैं जिसको वो डायरेक्ट करने वाला होता है, उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती है। तो ये तो आप वेब सीरीज को देख के पता लगा पाओगे क्या होता है उसकी जिंदगी में, लेकिन स्टोरी लाइन आपको काफी ज्यादा इसकी पसंद आने वाली है, तो इसलिए इस वेब सीरीज को मैंने नंबर 5 पे रखा हुआ है। नंबर 4 वेब सीरीज की बात करते तो उसका नाम है समांतर। समांतर भी एक आपको क्राइम ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिल जाती है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा आपको अनोखी है, इतनी ज़्यादा कमाल की देखने को मिलेगी कि आज तक आपने ऐसी स्टोरी लाइन वाली कोई भी मूवीज़ को इन्जॉय नहीं किया होगा। बेसिकली इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा यूनिक है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसकी IMDB रेटिंग की तो 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDB रेटिंग के साथ ये मूवी आपको देखने को मिल जाती है। तो रेटिंग वाइज ये मूवी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरी लाइन की तो स्टोरी लाइन इसकी काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिलती है। बेसिकली इस वेब सीरीज की स्टोरी एक लड़के के ऊपर होती है जो कि अपने ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, उसके पास नौकरी होता है, पैसा होता है, हर एक चीज़ होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद उसको पता चलता है कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा था वो किसी और की ज़िंदगी में हो चुका है। और जिसके बाद वो उस लड़के को ढूंढने लग जाता है जिसकी ज़िंदगी में ये सारी घटनाएं हो चुकी है, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर देखने की चाह होती है। इसके बाद फिर वो उस लड़के को ढूंढने लग जाता है और पूरी पिक्चर आपको उसी के अंदर ही देखने को मिलेगी कि वो कैसे मिलते हैं और क्या क्या उसको पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी में और आगे क्या होने वाला है। वो काफ़ी यूनिक आइडिया के साथ आपको वेब सीरीज देखने को मिल जाती है MX Player में, और ये काफी अच्छी वेब सीरीज है, लोगों ने काफी ज्यादा इसको पसंद किया, इसलिए इसको मैंने नंबर 4 पे रखा हुआ है। तो एक बार इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 वेब सीरीज की बात करूँ तो उसका नाम है भोकाल। भोकाल भी वेब सीरीज आपको एक कल्ट क्राइम ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको बोल्ड सीन के साथ साथ क्राइम इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक कल्ट क्राइम ड्रामा वेब सीरीज को खोज रहे हो तो 100% ये वेब सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर मैं बात करूँ उसकी रेटिंग की तो रेटिंग वाइज वेब सीरीज आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि IMDB पे जो उसकी रेटिंग दी गई है वो लगभग 7.8 आउट ऑफ 10 है। तो रेटिंग वाइज ये वेब सीरीज आपको काफ़ी अच्छी देखने को तो मिल जाती है। और वही मैं बात करूँ इसकी स्टोरी लाइन की, स्टोरी लाइन इसकी काफ़ी ज़्यादा कमाल की आपको देखने को मिल जाती है। बेसिकली की स्टोरी पूरी मुजफ्फराबाद को पूरी देखने को मिलेगी, क्योंकि मुजफ्फराबाद को इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा क्राइम कैपिटल बताया गया है कि क्राइम उधर काफ़ी ज़्यादा होता है। क्राइम को कम करने के लिए वहाँ पे कई सारे पुलिस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है जिससे कि क्राइम रेट कम हो, लेकिन क्राइम रेट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ये पूरी पिक्चर में आपको इसी के ऊपर ही देखने को मिलेगी कि कैसे कैसे वहाँ पर क्राइम किया जाता है और कैसे कैसे वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम रेट हाई होता है कि लोग वहाँ पर छोड़ के भागने लग जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आने वाली और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ क्राइम रेटेड ये वेब सीरीज देखने को मिल जाती है MX Film में, और इसकी रेटिंग तो कितनी अच्छी देखने को मिलती है। तो आपको 100% इस वेब सीरीज को एक बार ट्राई करनी चाहिए। देता है, शॉकिंग से मिलने का वक्त आ गया है, चलो। आइए कप्तान साहब, कोई नहीं त्यागी कहाँ है? लगता है कोई पहली बार मर्द आया यहाँ मुजफ्फरनगर में। चलो ये भी अच्छा है। नंबर 2 वेब सीरीज की बात करूँ तो उसका नाम है एक थी बेगम। एक थी बेगम भी वेब सीरीज आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, और ये भी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, और इसके अंदर भी आपको बोल्ड सीन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी रेटिंग की तो IMDB पे जो इसकी रेटिंग दी गई है वो लगभग 6.5 आउट ऑफ 10 है। तो रेटिंग वाइज ही आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ स्टोरी लाइन की तो स्टोरी लाइन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है। बेसिकली इसकी स्टोरी एक महिला के ऊपर बनाई गई कि वो अपने पति का कैसे बदल लेती है उन गुंडों से जिन्होंने उसके पति को मारा होता है। और बेसिकली इतनी ज़्यादा
ज़्यादा क्राइम वाली मूवी देखने को मिल जाती है और इतना ज़्यादा आपको इसमें सस्पेंस और क्राइम ड्रामा देखने को मिलेगा कि आपका मन करेगा फिर से इस वेब सीरीज़ को देखने को। तो इसीलिए मैंने इस वेब सीरीज़ को नंबर सेकंड पे रखा हुआ है और इसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ये भी वेब सीरीज़ आपको एमएक्स प्लेयर में देखने को मिल जाती है। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। जब लुक्का तेरी के नीचे से मार उड़ा है, जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा और इज्जत तुझसे कुछ नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नंबर फर्स्ट वेब सीरीज की। अगर मैं नंबर फर्स्ट वेब सीरीज की बात करूँ तो वो वेब सीरीज इतनी ज़्यादा कमाल के स्टोरी लाइन के साथ देखने को मिलती है, तभी मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर रखा है। उसका नाम है रक्तांचर। रक्तांचर वेब सीरीज आपको 100% काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर मैं बात करूँ उसके रेटिंग की तो IMDb जो उसकी रेटिंग दी गई है वो लगभग 6.5/10। तो रेटिंग तो थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा कमाल की लगने वाली है कि आपको फिर से ये देखने का मन करेगा वेब सीरीज़ को। अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरी लाइन की तो स्टोरी लाइन इसकी 1980s के ऊपर बेस है। बेसिकली ये एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस है जो कि 1980s में घटी थी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में। आपको पता है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा उस समय क्राइम हुआ करता था, तो उसी को ट्रू स्टोरी के ऊपर ये वेब सीरीज़ को बनाया गया है और काफ़ी अच्छे स्टोरी लाइन के साथ ये वेब सीरीज़ आपको देखने को मिल जाती है MX प्लेयर में। तो एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि इसको एक बार ट्राई कर लेना और काफ़ी अच्छी आपको और काफ़ी पसंद आने वाली ये वेब सीरीज़। तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर रखा हुआ है। जो कि फौज इकट्ठी की हो ना, पहले इनको लंड खड़ा करना सिखा। साहिब सिंह की गांठ फटती है पुजारी सिंह से। ये कुछ मैंने आपको 5 वेब सीरीज को रिकमेंड किया जो कि आपको 100% काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज को खोज रहे हो और बोल्ड सीन के साथ आपको अगर देखने को मिले तो 100% ये वेब सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को सिंपली लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।